संभावना सेठ का हॉस्पिटल्स ने क्यों मना कर दिया इलाज करने से। टीवी इंडस्ट्री को लेकर एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है। बीते मंगलवार को सुनने में आया था कि टीवी एक्टर शिविंग नारंग को गहरी चोट आई, जिसके चलते 2 घंटे तक उनकी सर्जरी चली। कुछ घंटों बाद ही खबर आई कि टीवी और भोजपुरी सिनेमा के जाना माना नाम बन चुकी संभावना सेठ को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभावना सेठ के पति अविनाश द्विवेदी ने उनकी बिगड़ी हुई हालत की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी, लेकिन इस दौरान यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर एक्ट्रेस को क्या हुआ है। वेब पोर्टल को दिए इंटरव्यू में संभावना सेठ ने खुद ही बताया कि आखिर उन्हें क्या हुआ था, उन्हें सुबह 4 बजे अस्पताल के चक्कर क्यों लगाने पड़े। संभावना सेठ ने पोर्टल को जानकारी देते हुए कहा कि दरअसल मेरा ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया था और मैं बेहोश हो गई थी, इसके बाद मुझे कान में इन्फेक्शन हो गया, इस समय मेरा कान ब्लॉक है। संभावना सेठ ने आगे कहा कि खैर किसी भी अस्पताल ने 4 बजे हमें अंदर नहीं आने दिया, वो अपना गेट ही नहीं खोल रहे थे, मैं कहीं जगह गई, उसके बाद हम कोकिलाबेन अस्पताल गए, उन्होंने मेरा इलाज किया, लेकिन चेकअप के तुरंत ही बाद उन्होंने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि अभी वहाँ पर इस तरह रहना सेफ नहीं है, इसी वजह के चलते हम दिन में फिर से वहाँ गए थे। लॉकडाउन के चलते संभावना काफी डरी हुई है, वो चाहती है कि चीजें जल्दी नॉर्मल हो जाए। संभावना सेठ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस दौरान कोई भी बीमार न पड़े, क्योंकि बाहर की स्थिति काफी खराब है, जब अस्पताल आपकी मदद नहीं कर पाएगा तो आपको और भी बीमार सा फील होगा। जब मुझे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागना पड़ा तो ऐसा लग रहा था कि मुझे एंग्जायटी अटैक पड़ा है, मुझे लगा कि मुझे कुछ होने वाला है। फिलहाल तो कामना करते हैं कि संभावना सेठ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक